हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय मैं अपने चैनल पर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की जो है तैयारी करवा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैंने वर्गमूल और घनमूल से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है पहला कि समीकरण, ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है अंडर रूट 62, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर बटे में x और बराबर यहाँ पर दिया गया है x और बटे में यहाँ पर लिखा है रूट 248, यानी कि 248 दिया गया है। और इसमें पूछा गया कि x का मान बराबर है, यानी कि चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से x का मान जो है वो किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इस x का गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब x का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर जब इसका गुणा इधर करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं रूट 62 और गुणे रूट 248 इतना, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए अंडर रूट 62 गुणे 248 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे तो 62 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 31 गुणे दो करेंगे तो 62 आ जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर 248 को आप लिख सकते हैं 31 गुणे 8, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 248 आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर इससे आप लिखेंगे यहाँ पर 31 गुणे 2 गुणे, ध्यान दीजिए 8 दिया गया है, 8 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका वर्गमूल आ जाएगा, इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका वर्गमूल यहाँ पर आएगा 31, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 और यहाँ से ये आ जाएगा 2, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे आप यहाँ से तो इधर फिर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ये आएगा 31 गुणे 2 गुणे 2 इतना आएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ से इसे आप लिखेंगे 2 और फिर अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर 31 इतना आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि, ध्यान दीजिए इसमें लिखा है यहाँ पर 4√7 इतना दिया गया है और प्लस अंडर रूट यहाँ पर दिया गया है ध्यान दीजिए 343 यानी कि 343। इसके बाद आगे इसमें लिखा है 29.70 इतना दिया गया आपको और यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंडर रूट 112 और प्लस 13√7, इसका मान जो है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है और इस संख्या का मान आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए इसे यहाँ पर लिखेंगे आप 4√7 प्लस इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो आप कर सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका गुणा करेंगे तो 343 आएगा, बराबर में यहाँ पर दिया गया है 29.70। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4√7, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जोड़ा बन जाएगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 7, यहाँ पर आप लिखेंगे √7 इतना लिख सकते हैं, बराबर में इसमें लिखेंगे 29.70, यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 और 4 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 11√7 इतना लिखेंगे आप इसे। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा 29.70, तो यहाँ पर √7 बराबर ये इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, यानी कि 29.70 और बटे में हो जाएगा 11। इसके बाद ध्यान दीजिए जब 11 से इसे भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 दो बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 7 बचेगा तो ये हो जाएगा 77, यानी कि 11 7 77 इतना हो जाएगा और ये 0, तो यहाँ से ये √7 का मान आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों को मान इसका ज्ञात करना है, तो इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है √112 और प्लस दिया गया है 13√7। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 112 दिया गया है इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 7, ध्यान दीजिए 4 चौक 16 और 16 सत्ते होता है 112 इतना हो जाएगा प्लस 13√7। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्योंकि जोड़ा बन गया है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और इसका वर्गमूल यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 13√7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों में √7 दिया गया तो 13 और 4 मिलकर हो जाएगा 17√7, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 17√7 का मान आप लोगों ने ये ज्ञात किया है तो 2.70, इसका जब गुणा करेंगे तो 17 सत्ते 119 हासिल आएगा 11, इसके बाद 17 दूनी 34 34 और 11 मिल के हो जाएगा
45, ये जीरो लगाएंगे, दो अंक पर दशमलव दिया गया, पर दो अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 45.90, तो ये इतना आया। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका विकल्प नंबर ए जिसमें लिखा गया है यहाँ पर देखिए 45.9, तो 45.9 का मतलब आप उसे 45.90 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो होगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि इसमें लिखा है √3x, इसके बाद दिया गया है -2 बराबर यहाँ पर दिया गया है 2√3 और +4, इतना दिया गया है और यहाँ पर आपको x का मान जो है वो बताना है, लेकिन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए √3x लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2√3, तो ये दोनों एक तरफ कर लीजिए, यानी कि √3x इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2√3। इसके बाद ध्यान दीजिए इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो इधर दिया गया 4, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में ध्यान दीजिए √3 यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6, एक्स माइनस दो, यहाँ पर √3 धर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और जब बटे में रूट वाली संख्या आ जाती है तो इसे हटाने के लिए यहाँ पर उसी संख्या से हम लोग गुणा भाग करते हैं, √3 से आपको गुणा करना है और √3 से भाग करना है, तो ये आएगा एक्स माइनस दो बराबर ध्यान दीजिए 6 √3, √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, जब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 × 2 = 6, यानी कि एक्स माइनस दो बराबर आया 2√3। इसके बाद एक्स बराबर ये आगे जाएगा उधर तो 2√3 उधर जाने पर ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि एक्स बराबर इसमें 2 कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा √3 + 1, इतना आया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर डी जिसमें वहाँ पर ये लिखा है, डी में विकल्प दिया गया है 2 1 + √3, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इसको लिख सकते हैं 1 + √3, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर घनमूल या फिर बोल सकते हैं कर्ण 3 यहाँ पर दिया गया है 72.9 और इसके बाद दिया गया 0.4096, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 लिखा है यानी कि इसे घनमूल मान सकते हैं आप, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.1 अंक पे है और यहाँ 0.4 अंक पे है, तो 72.9 तो 4 अंक पे है, तो यहाँ पर 4 अंक बनाने के लिए इसमें 3 0 आगे बढ़ा दीजिए, इसके बाद 0.4096, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.4 अंक के बाद हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 अंक के बाद हो जाएगा, अब ये 0.0 से 0.0 कट जाएगा, तो इसे अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घनमूल, ध्यान दीजिए यहाँ पर 72.90, इतना हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 40.96, इतना हुआ। अब इनके यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो अगर गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए इसके गुणनखंड करेंगे तो इससे आप लिख सकते हैं 90 × 90 × 90, जब इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 4096, इससे आप लिख सकते हैं 16 × 16 × 16, इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर घनमूल दिया गया और यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन गया है, यानी कि यहाँ पर आएगा 90 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 16, इतना हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 2 से काटे तो ध्यान दीजिए 45 × 90, 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसके बाद जब इससे भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ 8 से हम लोग इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 40, यहाँ पर बच जाएगा 5, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, 8 × 48, फिर 2 आएगा, उसके बाद 8 × 2 = 16, 8 × 40, यानी कि भाग करने पर आएगा 5.625, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जिसमें लिखा है 5.625, ये सही होगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि यदि इसमें लिखा है 5√5, इसके बाद दिया गया है √5³, इतना लिखा है, फिर इसके बाद भाग का निशान लगाएं, फिर यहाँ पर दिया गया 5³ − 3/2 और बराबर में दिया गया है 5³ a + 2, इतना दिया गया है, और यहाँ पर आपको a का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस समीकरण को सॉल्व करके a का मान यहाँ से आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है आपको 5, यहाँ पर दिया गया √5, √5 का मतलब आप लिख सकते हैं 5^1/2, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5³, यहाँ पर ये भाग का निशान लेगा इसलिए इसे आप बटे में लिख सकते हैं 5³ − 3/2 बराबर में हो जाएगा 5³ a + 2, तो यहाँ पर इन सब के आधार बराबर है यानी कि इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो घात में ध्यान दीजिए आपको 1 दिया गया है, इसके बाद दिया गया है 1/2 और फिर दिया गया 3, तो अगर इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए इसका लासा आएगा 2, इधर गुणा होगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 * 6, यानी कि 6 + 7 = 9, 9/2,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 की पावर 9/2 बटे में हो जाएगा 5 की पावर -3/2 बराबर में a+2 इतना लिखेंगे। अब ये बटे में ये संख्या ऊपर जाएगी तो प्लस में जाएगी, दोनों के आधार बराबर हैं इसलिए घात यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो 9/2 और +3/2 इतना हो जाएगा बराबर में 5 a+2 इतना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों के हर बराबर हैं तो 9 और 3 मिलके हो जाएंगे 12, 12 को जब 2 से हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 5 की पावर a+2। अब दोनों के आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगी, यानी कि 6 बराबर a+2। जब यहाँ से a ज्ञात करेंगे तो 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 - 2 = 4, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है ये सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसे चालू कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि इसमें दिया गया है x = 1.15 इतना दिया गया है और आगे आपको मान ज्ञात करना है √4x² + 4x + 1 इतना दिया गया है और प्लस आगे इसी में लिखा है 8x इतना दिया गया, यानी कि x का मान दिया गया है और इसका मान आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अंडर रूट में दिया गया है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर इसके रूप में बना देंगे। तो इस प्रकार आप इसे इतना लिख सकते हैं, अगर इसका वर्ग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो इस प्रकार लिखेंगे और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8x। तो ध्यान दीजिए अंडर रूट में दिया गया और इस पर स्क्वायर लगाएं, यानी कि इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो 2x + 1 इतना आ जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8x, तो 8 और 2 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x + 1। इसके बाद 10x का मान यहाँ से रखेंगे 1.15 + 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए जब इसका गुणा करेंगे तो 0.1 अंक और आगे चला जाएगा, यानी कि 11.5 + 1, और 11 में जब ये वाला एक जुड़ेगा तो 12.5 इतना होगा, यानी कि आप देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर यहाँ पर जो है बी ये सही होगा जिसमें दिया गया है 12.5। इस प्रकार आप इसे चालू कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि इसमें दिया गया है √1.44x इतना दिया गया है और बराबर दिया गया है 12, तो इसमें एक्स का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए इस तरह के जब सवाल आएंगे तो यहाँ पर हम लोग इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग दोनों तरफ होगा, तो जब इधर वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि इधर आएगा 1.44x, इधर वर्ग करेंगे तो 12 का स्क्वायर, यानी कि 1.44x बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी कि x बराबर 144/1.44 इतना आएगा। ध्यान दीजिए 0.2 अंक पे लगा, अगर ये 0.2 काट दे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। x बराबर जब 144 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 144 से एक बार ये जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि x का मान यहाँ से आ जाएगा 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जिसमें दिया गया है 100 ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है √x, यहाँ पर दिया गया √x बटे में दिया गया इसमें 6.25 और बराबर इसमें दिया गया है यहाँ पर 100/x इतना दिया गया है और यहाँ पर x का मान जो है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर √x है तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए इसे लिखेंगे √x बराबर ये संख्या इधर लाएंगे तो ध्यान दीजिए 6.25 × 100/x। तो जब इसका हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 625 बटे में हो जाएगा x, यहाँ पर √x है इसलिए इसका हम लोग घन करेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पर इसका घन करना है। तो जब घन करेंगे तो ध्यान दीजिए घन करने पर यहाँ पर √x जो दिया गया ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x और इधर हो जाएगा 625/x³। इसको आप लिख सकते हैं 625 × 625 × 625 और बटे में ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा x × x × x इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर x × x × x यानी इसको लिख सकते हैं x³, और जब x³ का गुणा इधर करेंगे आके तो ये हो जाएगा x³। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 625 इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 25, फिर × 625 इसे भी लिख सकते हैं 25 × 25 और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 25 × 25 इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए x⁴ = ध्यान दीजिए यहाँ पर 1.25 और इस 25 को यहाँ पर हम लोग इसके गुणनखंड कर देंगे। ध्यान दीजिए इस प्रकार लिख दीजिए 25 × 5 × 5 × 25 इस प्रकार लिखेंगे, फिर × 25 इसे भी लिख देंगे हम लोग 5 × 5 और गुणे में हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए x⁴ यहाँ पर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 125,
फिर यहाँ पर 5 का गुणा 25 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 125, फिर इस 25 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 125, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर 125, यानी कि x की पावर 4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 125 की घात 4। तो दोनों में घात बराबर है इसलिए आधार भी बराबर होगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 125। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो आपको दिया गया 125, ये यहाँ पर जो है सही होगा। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।